IBNI न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देवास नगर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और नृशंस हत्या के विरोध में टीएमसी की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ देवास के सयाजी द्वारा पर प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी का पुतला दहन किया और दोषियों को फांसी की सजा, मुख्यमंत्री का इस्तीफा, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। एल देखें पूरी खबर। क्या कहा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी ने सिर्फ आईबीएन 9 न्यूज पर। परिषद द्वारा पूरे जिले में नहीं, आज पूरे मालवा प्रांत में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की सरकार है उसके खिलाफ प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि वहां पर डॉक्टर मोमिता का पूरी तरह से बलात्कार होने के बाद में आज 9 दिन हो गए उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऊपर से ममता बनर्जी जो भी दोषी हैं उनको बचाने में लगी हुई है। हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करके वहाँ के सबूत मिटाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है और कोई भी वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अभी बरकरार नहीं है। हमारी मांग ये है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो, क्योंकि ममता बनर्जी अपना कार्यभार संभालने में असमर्थ है। अब उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, स्वयं की इच्छा से उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम दक्ष यादव, नगर मंत्री देवास। सर क्या छात्र छात्राएं मैदान में उतरे, क्या कहना आपका? पश्चिम बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ कुकृत्य जो किया गया उसके खिलाफ आज हमने आवाज़ उठाई है। देवास के जवाहर चौक से शुरू होकर हमने सयाजी द्वार तक विरोध प्रदर्शन किया है। ममता सरकार जो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं उनके राज में आज जो प्रदेश में जो कुकृत्य किए जा रहे हैं ये केवल एक घटना नहीं है। अभी बीते एक महीने में 4 बड़े बलात्कार पश्चिम बंगाल में हुए हैं और कुछ तो ऐसे बलात्कार है जो दफन कर दिए जाते हैं, सामने तक भी नहीं आते हैं। तो इसके विरोध में आज हमने ममता सरकार का पुतला दहन किया है ताकि उन्हें थोड़ी भगवान सम्मति दे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया जाए। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है और हम सब काफी नाराज हैं। क्या मांग करते हैं आप लोग? ममता सरकार इस्तीफा दे, ममता सरकार से महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। आपका नाम? मुस्कान प्रजापति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, नगर सहमंत्री।